रांची गौरीपुर में जय दुर्गा कल्चरल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्रैंड फुटबॉल टूर्नामेंट फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ एवं उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर अशोक नेता रिबिन काकुन क्षेत्र के किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए अशोक नेटे ने कहा कि गौरीपुर गांव में 40 साल से यह परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को कायम रखना गांव पर निर्भर है। खुशी खेल व्यायाम देता है। इस अवसर पर अशोक नेत्रे ने कहा कि युवाओं को स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऐसी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आवश्यक है। फुटबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ नेता अशोक ने रिबन तोड़कर, श्रीफल तोड़कर, राष्ट्रगान गाकर किया। अशोक नेता एवं उनके साथियों की ओर से 4001 रुपए का द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर तामदेव दूधाबाले पूर्व जिला उपाध्यक्ष से और तृतीय पुरस्कार 1001 रुपए मजुमदार ताई और हदे बाला की ओर से है। यह ट्रॉफियां और सम्मान के बैच देकर किया जाता है। उस समय अशोक नेते गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र एवं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अनु जनजाति मोर्चा प्रकाश केडाम क्षेत्र महासचिव एसजी मोर्चा स्वप्निल वरगाटे क्षेत्र सदस्य आशीष पीपरे पार्षद और जिला महासचिव ओबीसी मोर्चा शिल्पा रॉय जीपी सदस्य आशीष मुखर्जी सरपंच महानंद हलदार उप सरपंच रमेश अधिकारी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रेवनाथ कुसराम पीएस सदस्य और एसजी मोर्चा संगठन तरुण गैन और कई ग्राम कार्यकर्ता और अधिकारी उपस्थित थे। चामोशी से बीसीएन न्यूज के लिए बबन वडट्टीवार की रिपोर्ट।